राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। समुद्र मंथन के समय जो देवताओं ने अमृत पिया था उसका क्या मतलब, उसका स्वरूप क्या है, मतलब वो मतलब जो भी अमृत पिया था, क्योंकि देवताओं की अवधि भी नित्य नहीं होते हैं, वो भी उनको भी छोड़ना पड़ता है शरीर, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक समय तक के लिए अमर है, एक निश्चित समय के लिए अमर है। देवताओं की 100 वर्ष की आयु होती है। देवताओं की मतलब वो 100 वर्ष जो हमारे होते हैं वो कैसे? नहीं, हमारे 100 वर्ष अलग हैं देवताओं के। हमारा जब 1 वर्ष होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन देवताओं का, ऐसे 100 साल। ये जो चतुर्युग हुआ था तो उसी समय जो मंथन हुआ था, जो सतयुग में हुआ था, मंथन सतयुग में हुआ था। तो अभी तो वो मतलब अभी तो उनका जन्म, अभी जब तक ये कलयुग है तब तक तो उनका नित्य, अभी तो मतलब उनका जैसे कि शरीर जो छूट जाता है वो पूरे चतुर्युग तक ही रहता है ऐसा? नहीं, इनके युग से कोई लेना देना नहीं, इनका अलग सिस्टम, इनका हिसाब किताब अलग होता है। 14 मनवंतर, जैसे 1 कल्प होता है ना, 1 कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है, तो हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, है ना। समय होता है, इनकी सीमा होती है कि इतने समय तक ये लोग रहेंगे, इनकी आयु इतनी है, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो ये बदल जाएंगे। जैसे अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र के पद पर बैठे हैं, आगामी राजा बलि, अभी राजा बलि पाताल के राजा हैं, राजा बलि को फिर इंद्र बनाया जाएगा जब इन इंद्र का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मा जी का कार्यकाल भी 100 वर्ष का है, ब्रह्मा जी जब पूरे 100 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। महाराज एक और प्रश्न था, ये ऊपर जो खान पान, मतलब यहाँ नीचे जो खान पान आदि का जो रहता है शरीर का, ऊपर कैसा, मतलब यहाँ तो देवताओं के पास जो हम लोग देवताओं को नैवेद्य अर्पण करते हैं, देवता वह नैवेद्य प्राप्त करते हैं, और देवताओं को भूख प्यास सताती नहीं है विशेष। जब हम श्रद्धा से समर्पण करते हैं देवताओं को, उसे वह श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, वरना देवताओं को भूख प्यास सताती नहीं है, ना उन्हें बुढ़ापा होता। जितने दिन रहेंगे ना बुढ़ापा है, ना उन्हें कोई रोग होता, ना वो हमेशा यंग रहते हैं, सुंदर है ना। और अमृत का प्रभाव ये करता है महाराज जी। देव जैसे हम तो मनुष्य, मतलब तो यहाँ पर तो जैसे मैथुनी सृष्टि यहाँ पर का, और देवताओं का केवल वो भोग करते हैं, आनंद लेते हैं, बाकी उनके कोई संतान वंतान नहीं होती। अप्सराएं हैं, देवता हैं, वो सांसारिक सुख भी लेते हैं, परंतु वहाँ उनके कोई संतान नहीं होती। माता पार्वती ने श्राप दे दिया था कि देवताओं की कोई संतान नहीं होगी, इसलिए देवता 33 करोड़ के 33 करोड़ ही हैं, ना एक कम होता है ना एक ज़्यादा होता है, क्योंकि संतान ही नहीं। ठीक है महाराज, और कोई सवाल?